पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने और कृषि कानून के विरोध में परासिया कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने एक दिवसीय उपवास रखा और महंगाई बढ़ने को लेकर भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम जनता की जेब पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हो चुके हैं। इसी को लेकर परासिया में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही किसानों की मांगों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत राय के नेतृत्व में एक दिवसीय उपवास रखा। इस दौरान भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है। इसके साथ ही महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार पर भी भाजपा सरकार को निशाने पर लिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में और जिला कांग्रेस कमेटी के आदेश से एक दिन का उपवास रखा गया है और ये उपवास इसलिए रखा गया है कि जो केंद्र की और प्रदेश की सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इससे आम जनता बहुत त्रस्त है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।